उस दिन मैंने स्पार्कलर्स लिए थे। अब मेरे पास चार हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल, थैंक यू फॉर कमिंग बैक। अब अगर मैं सच बताऊं तो आज मैं कैमरा तकरीबन एक हफ्ते बाद पकड़ रहा हूँ, लेकिन उसका एक वजह है। अब हुआ कुछ ऐसे था कि मेरे बर्थडे से तकरीबन दो हफ्ते पहले मुझे कोई एलर्जी या कुछ हुआ था, जिस पे मैंने वीडियो भी बनाई थी, फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। लेकिन खैर उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो गया और मैंने उसके बाद बर्थडे वाले दिन भी व्लॉग किया था। लेकिन बर्थडे के फौरन बाद, मतलब व्लॉग आने के दो दिन बाद ही मुझे वही चीज़ फिर से हो गई। खैर मुझे वही चीज़ फिर से हो गई तो दो तीन दिन तक मैं व्लॉग नहीं कर सका, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह ठीक लग रहा हूँ तो इसीलिए व्लॉग बन रहा है। हमें अभी तक समझ नहीं है कि ये क्यों हुआ था और कैसे हुआ था, लेकिन जो हो गया सो हो गया, तो पुरानी बातों को याद नहीं करना चाहिए। खैर ये व्लॉग बनाने का मकसद एक ही है कि आज मेरा आखिरी दिन अमेरिका में। तकरीबन ढाई महीने पहले मैं यहाँ आया था नाना नानी के पास, आज आखिरी दिन है। ये व्लॉग्स और वीडियोस बनाने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि मैं किसी भी मोमेंट को रिकॉर्ड करके अपने पास हमेशा के लिए रख सकता हूँ। तो आज का व्लॉग भी कुछ इसी तरह है कि मैं आज अपने नाना नानी के साथ फिल्म करूँगा ताकि ये वीडियो एज अ मेमोरी मेरे पास रहे। तो चलें। अब्बा हम कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? अब्बा अब हम किधर जा रहे हैं? हाँ अब हम किधर जा रहे हैं? हम जा रहे हैं नो फ्री ब्रांड डील्स। क्या लेने जा रहे हैं? I'll take for heist cappuccino. अच्छा। And I will get something for you. अच्छा। And the best. No free brand deals. अब्बा। अभी तो आप उर्दू में बात कर रहे थे, अभी कैमरा के ऑन होने पे आपने इंग्लिश में बात करना शुरू कर दिए। अच्छा यार, तो हुआ कुछ ऐसे था, अब्बा ने मेरी पिछली वाली वीडियो देखी थी जो ड्राइव थ्रू वाली थी, फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। उसके बाद से उन्होंने मुझे मना कर दिया उनकी गाड़ी चलाने से, तो आज अब्बा गाड़ी चला रहे हैं और अभी हम साथ हैं। अब्बा आपको एक चीज़ करके दिखानी है अभी सामने। मैंने अभी एक चीज़ करनी है, ड्राइव थ्रू पर मैं बोलूँगा, ठीक है? उसको बोलना है। जी जी, शीशा नीचे करें। हेलो शुमाइला, टू आइस कैप। अब्बा अभी शुमाइला आ रही है। अब्बा जब वो आएगी तो आपने कहना है शुमाइला। लड़का तो शुमाइला कर नहीं, लड़की है। हेलो शुमाइला, थैंक यू। डिड यू अप्लाई दिस? थैंक यू शुमाइला, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू शुमाइला। अब्बा ने भी शुमाइला कह दिया। शुमाइला बेगम, शुमाइला बेगम। मैंने अब्बा को कहा कि अब्बा शुमाइला शुमाइला कहना है उनको, तो जैसे वो शीशा खुला अब्बा कहते हैं थैंक यू शुमाइला। अब जब लोग मुझसे पूछते हैं कि ये हैशटैग डू इट फॉर द व्लॉग कहाँ से आता है, तो प्यार को बना लिया सालन ओसन। क्या कह रहे हैं अब्बा, प्यार कब बना दिया? मैंने प्यार लिखा, वो प्यास बोलती रही, मैं समझाता रहा, लेकिन उसने ना माना, मेरे प्यार कब बना दिया सालन। वाह 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 वाह। अभी हम अब्बा के लिए कोई दवाई लेने जा रहे हैं, तो अंदर जाके देखते हैं कि क्या होता है। अच्छा, आगे जाने से पहले मैंने एक दफ़ा आप सबको थैंक यू कहना था, क्योंकि मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो थम्स अप, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट दैट बेल नोटिफिकेशन। और आज सुबह सुबह मुझे पता चला है कि आप में से 850 लोगों ने बेल नोटिफिकेशन दबाया हुआ है, जो एवरेज से बहुत ज़्यादा है। सो थैंक यू सो 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 मच, मतलब बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और आप में से जितनों ने बेल नोटिफिकेशन नहीं दबाया ना, वो तो फिर कोई पोस्ट पाला केस का। हाँ अडॉप्टेड टू चिल्ड्रन। कौन? हाँ क्यों? क्योंकि वो बच्चे चीनी और बाप गोरा। Because they are adopted children. अच्छा वैसे क्योंकि tell them by face. क्या पता माँ चीनी हो बाबा? No 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 no. नहीं हो सकता? They are adopted kids. आप उर्दू में बात कर सकते हैं इसमें? हाँ। उसमें दोनों adopted बच्चे, उसका जो I know मैं पक्का जानता हूँ ना। अच्छा। अच्छा तो अभी मैं अंदर फिल्म नहीं कर सका, लेकिन हुआ कुछ ऐसे था कि जाते वक्त मैंने नाना को कहा था कि अब आपने जाते वक्त जो काम कर रही होगी उसको लैला कहना है, अल्लाह हाफिज़ लैला कहना है। तो उन्होंने अल्लाह हाफिज़ लैला कहा और वो इस तरह देख रही थी जैसे पता नहीं क्या कह दिया है। इनको पता नहीं कि मेरी बेटी का नाम लैला है।
मस्जिद में एक मौलवी साहब से मुलाकात हुई हमारी जी. उन्होंने कहा सर बड़ी प्रॉब्लम है. हमने क्या प्रॉब्लम है? उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा सर वो जो है ना बस ईमान धर्म की तरफ चला गया, खाली मौलवी का काम करता, पढ़ा लिखा कुछ नहीं. हमने सर बात यह है कि इस्लाम ने कहा है कि इल्म जो है जेवर है जी, और चूंकि जेवर मर्दों पर हराम है इसलिए आपके बेटे ने नहीं फरमाने लगे तो आपने क्यों पढ़ा? हमारा मुझे तो पता ही नहीं था. हाँ तो इसीलिए आपका बच्चा बहुत जहीन है, सिर्फ नहीं पढ़ के भी देखे इस्लाम पढ़ा रहा है. बहुत नाराज हो गए मौलवी साहब. एक मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे थे लोग, बड़ा गंदे कपड़े उपड़े में था वो बंदा. लोन का यार इसको ये तो इमाम लगता नहीं. बोला इमाम तो है ही भी नहीं. तो बोला इसे क्यों नमाज पढ़वाते आप? बोला बहुत कमीना चोर आदमी है, अगर इसको पीछे रखेगा तो कितनों का चप्पल चोरी करके चला जाएगा. अच्छा अभी अभी हम घर आए तो जाके अम्मी को देखते हैं कि वो क्या कह रही हैं. अस्सलाम वालेकुम अम्मी. सब पूरा पाकिस्तान आपको देख रहा है, हाथ हिला दें. अच्छा तो उस दिन मैंने स्पार्कलर्स दिए थे तो देखते हैं क्या होता है. अच्छा खराब खराब है. ओह आ शिट आओ ओए गाड़ी गाड़ी. लाइक एंड सब्सक्राइब. और करते हैं. अच्छा अब मेरे पास चार हैं. अगर कुछ ख़राब होता है तो मैं अपना चैनल लैला को देना चाहता हूँ, वो ख्याल रखेगी मेरे चैनल का, क्योंकि मैं अभी कुछ करने वाला हूँ और मुझे लगता है कुछ ना कुछ अभी ख़राब होगा. It was at this moment he knew. He ये धुआं कहां से आ रहा है? एक सेकंड. यार यहां पे धुआं, मुझे नहीं पता कि ये धुआं कहां से. अच्छा एक सेकंड, देयर वी गो, सही हो गया, वी गुड. यार ये चीज़ें मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए करता हूँ. आज मेरा अमेरिका में आखिरी दिन था तो दिस इज़ माय लास्ट व्लॉग हियर. इंशाल्लाह अगले व्लॉग से मैं वापस पाकिस्तान में होऊंगा. तो वी आर गोना गेट बैक टू द ओल्ड व्लॉग्स. तो अगर आप लोग पुराने सब्सक्राइबर्स हैं तो आप सबको पता है कि क्या होने वाला है, और अगर आप नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो थम्स अप. बस इस व्लॉग के लिए इतना ही. आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो. इफ यू डिड डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो. बस इस व्लॉग के लिए इतना ही है. आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो. इफ यू डिड डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो अ थम्स अप. सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू. हिट दैट बेल नोटिफिकेशन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. अल्लाह हाफिज़ और शुक्रिया. पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा, ऐसा काम करेगा. मगर ये तो एक बच्चा लेट आया क्लास में. टीचर ने पूछा लेट क्यों आए मियां जी? बोला मेरे अम्मी और अबू लड़ रहे थे. अम्मी अबू लड़ तुमको क्या? एक जूता उनके मेरा, एक जूता उनके हाथ है, दूसरा जूता उनके हाथ. जब जूता मिलता तब तो पहनते मैं.